दोस्तों महाराष्ट्र में जहां एक तरफ सरकार बनाने को लेकर के पेच फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चाएं तेज रही। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अभी भी सरकार बनाने को लेकर के सस्पेंस बाकी है, क्योंकि कल जिस तरह से शरद पवार ने बयान दिया, इससे ये स्पष्ट पता चलता है कहीं ना कहीं अभी और कुछ दिन लग सकते हैं महाराष्ट्र की सरकार बनाने में। लेकिन मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द सरकार बनानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं थी, जहां एक तरफ एनसीपी और शिवसेना के उम्मीदवार के आगे अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन जो ये खबर आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं, काफी ज्यादा शिवसेना के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश की सबसे अमीर मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का कंट्रोल एक बार फिर से शिवसेना के हाथ में आ गया है, क्योंकि बीजेपी के पास जरूरी नंबर ना होने के चलते बीजेपी पीछे हट गई है। वहीं कांग्रेस एनसीपी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। बीएमसी में मेयर के लिए शिवसेना के किशोरी पेडनेकर और डिप्टी मेयर पद के लिए सुहास वाडेकर ने पर्चा भरा है। बीएमसी में 22 नवंबर को मेयर का चुनाव होना है। फरवरी 2017 में भाजपा के समर्थन से शिवसेना उम्मीदवार विश्वनाथ महाडेश्वर ने जीत हासिल की थी। मेयर पद के लिए होने जा रहे चुनाव के नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शिवसेना के लिए जो अच्छी खबर यहां से वो ये है दोस्तों कि शिवसेना की सीट लगभग मेयर पद के लिए ये तय हो गई है, यानी कि शिवसेना यहां से अनऑफिशियली चुनाव जीत चुकी है। यानी कि जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी अपने उम्मीदवार को खड़े नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास नंबर ना होने की वजह से पीछे हट गई है, तो पर शिवसेना लगभग ये चुनाव जीत चुकी है। हालांकि ऑफिशियली रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है, मेयर पद के लिए शिवसेना ने बाजी मार दी है। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।